बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले हमेशा की तरह आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज का लेसन एक कन्वर्सेशन है अली और नतालिया के दरमियान। ये बातचीत किस किस्म की है तो आइए देखते हैं। नतालिया: हाय ओ जी पलियामो वीता दी तालिया, आज हम इटली की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। ओ जी पलियामो वीता दी तालिया, आज हम इटली की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। वीता दी तालिया, इटली की ज़िंदगी। सी फचियामो कोसी, हाँ ऐसे ही करते हैं। अली जवाब देता है सी फचियामो कोसी, हाँ ऐसे ही करते हैं। नतालिया: अल मोमेंटो तू आबिती इन इतालिया, इस वक्त तुम इटली में रहते हो। अल मोमेंटो, इस वक्त तू आबिती इन इतालिया, तुम इटली में रहते हो। अली: सी आबितो इन इतालिया, हाँ इटली में रहता हूँ। सी आबितो इन इतालिया, हाँ इटली में रहता हूँ, यानी इस वक्त मैं इटली में ही रहता हूँ। सी आबितो इन इतालिया, हाँ इटली में ही रहता हूँ। क्वाले कोज़ा ए पियू कोस्तोसा इन इतालिया, इटली में कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है। क्वाले कोज़ा ए पियू कोस्तोसा इन इतालिया, इटली में कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है। प्यू कोस्तोसा, ज़्यादा महंगी, ज़्यादा कीमती। ट्रांसपोर्टो इन इतालिया ए कोस्तोसो, इटली में ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन यानी आना जाना, सफ़र वगैरह करना, इसे हम ट्रांसपोर्ट तो कहेंगे। ट्रांसपोर्टो इन इतालिया ए कोस्तोसो, इटली में ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है, बहुत कीमती है। ट्रांसपोर्ट तो इटली में सफ़र करना, इटली में कहीं आना जाना महंगा है। बिलियती दी ट्रेनी एआं के कोस्तोसी, ट्रेन के टिकट भी महंगे हैं। बिलियती दी ट्रेनी, ट्रेन के टिकट एआं के कोस्तोसी, बहुत महंगे हैं, कीमती हैं। इल बिलियती दी बस आं के सोनाकारी, बसों के टिकट भी महंगे हैं। इल बिलियते दी बस एआं के सोनाकारी, बसों के टिकट भी बहुत महंगे हैं। व्याजो दी टैक्सी एआं के मोल्टो कारो, टैक्सी का सफ़र भी बहुत महंगा है। व्याजो दी टैक्सी एआं के मोल्टो कारो, टैक्सी का सफ़र भी बहुत महंगा है। अफीती दी काजा ए नगोसी आंखें सुनो आलती, घर और दुकानों के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं। अफीती दी काजा ए नगोसी, घर और दुकानों के किराए आंखें सुनो आलती, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, यानी घर और दुकानों के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी एक कीमती चीज़ है। नतालिया अस्पेती तू नानाई माँ की ना नतालिया, नतालिया पूछती है ठहरो तुम्हारे पास इटली में गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास इटली में गाड़ी नहीं है। अस्पेती तू नानाई माकिना इन इतालिया, अली जवाब देता है यो लमाकिना, मेरे पास गाड़ी है, यानी मेरे पास गाड़ी है, कोई मसला नहीं है। यो लमाकिना, मेरे पास गाड़ी है। अब अली मज़ीद इसे जवाब देता है प्रॉब्लेमा ए माकिना इन इतालिया नाने कारो, मसला यह है कि इटली में गाड़ी महंगी नहीं है। प्रॉब्लेमा ए माकिना इन इतालिया, इटली में गाड़ी नाने कारो, महंगी नहीं है, कीमती नहीं है। लत्ता से सोप्रा माकिना ए मोलते आलते, गाड़ी पर टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। लत्ता से सोप्रा ला माकिना सोनो मोलते आलते, गाड़ी पर टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट तो एक कारो आंके इन लोंद्रा, ट्रांसपोर्ट लंदन में भी महंगी है। ट्रांसपोर्ट तो एक कारो आंके इन लोंद्रा, ट्रांसपोर्ट लंदन में भी महंगी है। नतालिया उसे कहती है कि ट्रांसपोर्ट लंदन में भी महंगी है। स्पेशल मैन थे व्याजो दी टैक्सी, खासकर टैक्सी का सफ़र। स्पेशल मैन थे व्याजो दी टैक्सी, यानी खासकर टैक्सी का सफ़र, ये बहुत ही महंगा है। अली पूछता है उसे तुसे इस्ता तो लोंद्रा, तुम लंदन में रही हो। तुसे इस्ता तो लोंद्रा, तुम लंदन में रही हो। तुसे इस्ता तो लोंद्रा, तुम लंदन में रही हो। नतालिया जवाब दे सी उन पायो दियानी, हाँ दो साल। उन पायो दियानी, दो साल, हाँ यानी मैं वहाँ रही हूँ लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं, दो साल। उन पायो दियानी, दो साल।
Ali, questo è molto strano, ye bahut ajeeb hai. Questo è molto strano, ye bahut ajeeb hai. Natalia, sono interessata. Cosa è più bella in Italia? Mujhe dilchaspi hai ki Italy mein kya cheez zyada khoobsurat hai. Sono interessata, main dilchaspi rakhti hoon. Cosa è più bella? Zyada khoobsurat cheez kya hai in Italia, Italy mein? Italy mein zyada khoobsurat cheez kya hai? अली जवाब देता है, शिनारियो नातुराले ए प्यू बेले, कुदरती मनाजर बहुत खूबसूरत हैं। शिनारियो नातुराले ए प्यू बेले, कुदरती मनाजर बहुत खूबसूरत हैं। इलमारे इस प्याजा, समुंदर और साहिल समुंदर। इलमारे इस प्याजा, समुंदर और साहिल समुंदर। ए मोल्टो बेला इन इतालिया, इटली में बहुत ही खूबसूरत हैं। यानी ये चीज़ें इटली में बहुत ही खूबसूरत हैं। अली कहता है, इलागी ए मोंटानिये सोनो बेले, लिया दिफीची सोनो बेली। झीलें और पहाड़ भी बहुत खूबसूरत हैं, इमारतें भी बहुत खूबसूरत हैं। इलागी झीलें ए मोंटानिये पहाड़ सोनो बेले खूबसूरत हैं, लिया दिफीची इमारतें, लिया दिफीची इमारतें सोनो बेली खूबसूरत हैं, हसीन हैं। नतालिया कहती है, कोज़ा ए प्यू कॉम्प्लिकातो इन इतालिया, इटली में ज़्यादा पेचीदा चीज़ क्या है? कोज़ा ए प्यू कॉम्प्लिकातो इन इतालिया, इटली में ज़्यादा चीज़ पेचीदा कौन सी है? प्यू कॉम्प्लिकाता, ज़्यादा पेचीदा, इटली में ज़्यादा पेचीदा चीज़ कौन सी है? अली जवाब देता है, जेंते सोनो कॉम्प्लिकाते, लोग पेचीदा हैं। जेंते सोनो कॉम्प्लिकाते, लोग पेचीदा हैं। स्पेशलमेंटे जेंते दी नॉर्थ, शमाली इलाका जात के लोग। जेंते दी नॉर्थ, शमाली इलाका के लोग। नतालिया मजीद पूछती है, कोज़ा ए प्यू डिवर्टेंटे इन इतालिया, इटली में ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ चीज़ कौन सी है? मज़ाक़ा खेज़ यानी फ़नी किस्म की। इटली में ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ चीज़ कौन सी है? कोज़ा ए प्यू डिवर्टेंटे इन इतालिया। अली जवाब देता है, ला जेंते चीबो सोनो डिवर्टेंटे, लोग और ख़ुराक मज़ाक का खेज हैं। ला जेंते चीबो सोनो डिवर्टेंटे, लोग और ख़ुराक मज़ाक का खेज हैं। स्पेशलमेंटे जेंते दी सूद, खासकर जनूब के लोग। स्पेशलमेंटे जेंते दी सूद, खासकर जनूब के लोग। लोरो सोनो मोल्टो डिवर्टेंटे, वो बहुत ही मज़ाक खेज यानी फ़नी है। लोरो सोनो मोल्टो डिवर्टेंटे, वो बहुत ही मज़ाक खेज़ यानी बहुत ही फ़नी हैं। क्वाली लिंगवा पार्लानो कोमे सेकोंडा लिंगवा, नतालिया मजीद पूछती है कि दूसरी ज़बान के तौर पर कौन सी ज़बान बोलते हैं? क्वाली लिंगवा पार्लानो, कौन सी ज़बान बोलते हैं कोमे सेकोंडा लिंगवा, दूसरी ज़बान के तौर पर? अली जवाब देता है, पार्लानो इंग्लेज़े, इंग्लिश बोलते हैं। पेरो मोल्टो पोको, बहुत ही कम। पेरो मोल्टो पोको, बहुत ही कम, यानी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन बहुत ही कम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, लाइक और शेयर करना मत भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़, सर्विदेश।